हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे है आज, और आज मैं काफी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, और कोई भी मतलब ऐसे वीडियो बना रही हूँ। बीच में मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक दो रील बनाई थी, वो भी संडे को, तो वो भी मैं रेडी नहीं हुई थी, बस ऐसे ही मन किया, कुछ गाने सामने आ गए तो मैंने कहा चलो वाई नॉट बना लेते हैं, तो वैसे करके मैंने बनाया था। और मतलब काफी दिनों से ना रेडी होकर मन बहुत ज्यादा करता है कि हाँ तैयार होके वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, ब्लॉग बनाओ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक तो मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, पता नहीं 1 महीना हो गया उसके बाद बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। अभी 1 मंथ मुझे पूरा कंप्लीट हो गया है, विच इज अ वेरी गुड, और काफी रिलीफ है मुझे, काफी मतलब रिकवर कर गई हूँ, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा मूवमेंट वगैरह करने में हल्का फुल्का फील होता है, पूरी तरह से रिकवर नहीं करी हूँ। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मिड जुलाई से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दूंगी, या जुलाई मंथ से मैं स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन वो मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा है। तो आप लोग अगर कुछ सजेशन मुझे देना चाहते हो आप दे सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना कि मॉर्निंग के जो रूटीन होते हैं ना, जैसे झाड़ू लगाना हो गया, एक मॉर्निंग की बासी झाड़ू लगाती हूँ, तो बाहर वाले कमरे तक जाते जाते ना मेरे ये सोने लग जाता है, मैं थक जाती हूँ इतना गंदा वाला। कोई भी एक काम करके आती हूँ फिर मैं थक जाती हूँ, अभी फिलहाल वैसा वाला चल रहा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब मैं सारे काम करने लग गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये काम नहीं करूंगी, मैं वो काम नहीं करूंगी, मैं अब हर काम करने लग गई, क्योंकि यार करना ही पड़ेगा। 15 डेज तो हस्बैंड ने क्या कहते हैं कितना सपोर्ट कर दिया था वर्क फ्रॉम होम करके, और कल था इनका बर्थडे, मतलब मेरे हस्बैंड का कल बर्थडे था, तो कुछ खास सेलिब्रेट नहीं किया था। बनाने को तो बनाने वाला बहुत अच्छा बना सकता है, जैसे वीडियोस वगैरह जो लोग बनाते हैं, जिनके आप देखते हैं, वो केक कट करना, ये करना, वो करना, डिनर पे बाहर जाना, लेकिन हम लोगों के लिए, एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उन लोगों के लिए जाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है कि आप वीडियो बनाने के लिए आप मतलब ये सब कुछ करते हो, या देखो मन की अंदर की खुशी तो मिलती है, लेकिन मन की अंदर की खुशी से बढ़कर हमको जिम्मेदारियां और जो घर के मतलब क्या क्या काम इनसे हो सकते हैं, तो वो चीजें ज्यादा दिमाग में आती हैं, नन अदर देन की पार्टी करने चले जाओ। देखो इन सब चीजों से खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया था, घर पर ही रहते, और मैंने इनका फेवरेट पूड़ी और आलू टमाटर की जो सब्जी होती है वो बनाई थी, और उसके साथ खीर बनाई थी मुंह मीठा करने के लिए। मैं बोल रही थी इनको, लेकिन बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी, और क्या कहते हैं इन्होंने ही मना कर दिया कि नहीं केक नहीं लाएंगे, और मैं भी अपने बर्थडे पे केक नहीं मंगाती हूँ, मैं हम दोनों ही ज्यादातर करते हैं। मैं इनके बर्थडे पे कभी कभार मंगा भी लेती हूँ, लेकिन इस बार नहीं मंगाया क्योंकि बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी, कहती तो ले ही आते ऑफकोर्स, तो हम बच्चों का ही बर्थडे बस सेलिब्रेट करते हैं, वही कर पाते हैं, वही बहुत है। वैसे होने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं होने को कुछ भी नहीं कर सकते। तो कल मैंने कोई ब्लॉग वगैरह भी नहीं बनाया था, और मैं काफी दिनों से बना भी नहीं रही थी, तो बस ऐसा जैसा कल का दिन रहा, पतिदेव के साथ ही टाइम स्पेंड किया, बच्चों के साथ में थोड़ी नोक झोंक, थोड़ा प्यार, थोड़ा लड़ाई भी हो गई कल बर्थडे वाले दिन, तो ऐसा जैसा कल का दिन हमारा रहा। यूट्यूब पर ना अभी मेरा बिल्कुल भी क्या कहते हैं, जैसे होता है ना कि कितना मतलब, एक तो जो नॉर्मल अपने ब्लॉग्स वगैरह डाल रहे हैं उन लोगों को व्यू नहीं है, लेकिन जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उन लोगों पे बहुत व्यू है। उन लोगों का क्या है, वो एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं, मुझे तो यही लगता है। मैं जो आप लोग देख भी रहे होगे, दो कंट्रोवर्सी इस टाइम चल रही है, एक तो बिग बॉस से रिलेटेड चल रही है, और एक ये इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यूट्यूब पर आए हैं उन लोगों में चल रही है। सो वो सब चीजें, यही सब चीजें बस व्यूज पा रही है, अदरवाइज कोई भी ब्लॉग डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, नॉर्मल कंटेंट पे तो व्यूज आ ही नहीं रहे हैं। चाहे वो दरक सरिता हो गई, चाहे वो सचिन हो गए, चाहे वो सचिन मतलब वो राज सचिन करके जो है, राज सचिन मनीषा ऐसे कुछ करके उनका आईडी है, और नेहा दीदी को बीच में लाने लग गए। मैं नेहा दीदी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मतलब उनको देखकर ना एक ये आता है कि मतलब इतना कुछ स्ट्रगल करने के बाद बंदा कोई एक यहाँ तक लेवल तक पहुंचता है, तो वो सब चीजें ना बहुत खराब लगती है, फिर उनका नाम कोई खराब करे, सो वो सब चीजें यहाँ बहुत डर्टी होती जा रही है। खैर, मुझे इन सब टॉपिक्स पे ज्यादा मुझे बात करना मतलब कंट्रोवर्सी करना मुझे नहीं आता। खैर, ये सब चीजें ना इतनी ज्यादा चल रही है, अभी बिग बॉस देखने लग गई थी मैं, मैंने इनसे सब्सक्रिप्शन कराया था जियो का, तो बिग बॉस भी मैं देख रही हूँ, बिग बॉस में भी क्या तमाशे हो रहे हैं, थप्पड़ मारना इन ऑल देम। सो आप लोग बिग बॉस देखते हो नहीं देखते हो मुझे कमेंट करके बताना। सो बस यही मैं मतलब
ये लोग क्या कहते हैं, पहले तो एक दूसरे की पार्टियों में जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, तब तो जब पार्टी में होते हैं तब तो सब कुछ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर उसके बाद में एक दूसरे के मीन मेक निकालने लग जाते हैं। और कुछ जो बिल्कुल मतलब पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, जैसे नेहा दीदी हो गई या और भी कई एक हैं, उनको भी जबरदस्ती घसीटना, उनको भी पोक करना, तो वो सब चीजें ना बहुत वल्गर लगती हैं। किसी बंदी की अगर जो बहुत डिग्निटी के साथ हमेशा से चलती आई है, उसको ऐसे इंक्लूड करना अच्छा नहीं लगता। खैर क्या कह सकते हैं, नेहा दीदी अपने आप में बहुत सक्षम है, वो करारा जवाब भी देंगी। आज की डेट में जिन जिन यूट्यूबर्स ने भी जो अपने घरों में पार्टियां करी थी और एक दूसरे क्रिएटर्स को बुलाया था, वो ज्यादातर क्या कहते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ तो कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, और ऐसे घुमा घुमा के चीजें अब ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं। ऑडियंस को भी इतना ज्यादा मतलब बेवकूफ बना रहे हैं ना, ऐसे लोगों का तो साथ ही छोड़ देना चाहिए। हम देखो, जो लोग वहां पर थे वो लोग क्या कहते हैं इस चीज पर बोल सकते हैं कि फलाना सही है फलाना सही है फलाना सही है, या फिर किसी के आप बेसिक नेचर को देखकर आप पहचान सकते हो कि हाँ ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन जब उस पार्टी में हम लोगों को, जब हम लोग वहां थे ही नहीं, तो हम लोगों को क्यों गुमराह किया जा रहा है, क्यों क्या कहते हैं ऑडियंस को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है। हम लोग को भी समझ में आता है कौन बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। खैर इसी वजह से वो लोग नेगेटिव कमेंट्स पा रहे हैं, ट्रोलिंग सह रहे हैं। और मेरे को तो ये लगता है यार, ना किसी के यहाँ जाओ ना ये सब पचड़ों में फंसो, लेकिन ये तो उनकी स्ट्रेटेजी होती है ना कि खुद को वो हाइप क्रिएट करने के लिए। आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग क्यों कंट्रोवर्सी करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो, और रही बात नेहा दीदी की, तो नेहा दीदी ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती है जो लोगों को उन पे गलत गलत लोग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि, और गंदी तरीके से उनका नाम यूज कर रहे हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग। किसी की मतलब होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करना, कि होता है ना कोई लेडी अगर बहुत ज्यादा अकेली वो भी बहुत आगे निकल जाती है, अपने मुकाम को हासिल कर लेती है, तो उसके ऊपर लांछन उछालने लगो तो वो चीज बहुत गंदी लगती है। और दरक सरिता का नेचर तो है ही है, हर किसी को पता है कि वो कितनी वॉयलेंट है, हर किसी नॉर्मल कमेंट का जवाब भी वो इतने रूडली देती है ना, लोग भी उनके कमेंट में कमेंट करने से डरते हैं। खैर मैं यहाँ पर किसी को नेगेटिव या किसी को पॉजिटिव बोलने नहीं आई हूँ, लेकिन जो यूट्यूब पे चल रहा है आज की डेट में, वही मैं आप सभी के साथ शेयर, मतलब मेरे मन में जो चीज चल रही है देख देख कर, वो चीज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे मतलब, आप YouTube खोलते हो तो किसी ना किसी का पॉपअप होके आ ही रहा होता है वीडियो, आप चाहे कितना भी अनसब्सक्राइब कर दो या कितना भी हाइड कर दो, वो कोई ना कोई पॉपअप होके आ ही जाता है। फिर होता है ना कि एक माइंड ऐसा होता है कि पता नहीं क्या देखने ही लग जाते हो आप। आप लोग भी रिलेट कर सकते होगे इस चीज से। अब तक तो मैं कभी भी किसी की ऐसे वीडियो मैंने किसी के ऊपर ऐसे नहीं बनाया है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा आज मन हुआ नेहा दीदी का, जब मैंने वीडियो मतलब कमेंट्स वगैरह ऐसे देखे। और अभय भैया, मुझे ना उनकी फैमिली इतनी अच्छी लगती है ना, नेहा दीदी की मतलब सब कुछ कितने मिलकर, उनको कोई क्रिएटर कोई किसी की जरूरत नहीं है, वो अपनी फैमिली में ही कंप्लीट है, अपनी फैमिली मिलके इतना प्यारा, तो मतलब उनका पार्टीज वगैरह होते हैं जो भी वो वीडियोज वगैरह बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे पता नहीं क्यों, जब उनकी अभय भैया की वीडियोस मैंने देखी तो नेहा दीदी के भी कमेंट्स देखे, और उन्होंने भी अभी कम्युनिटी पोस्ट किया है, तो वो चीज देख कर ना पता नहीं क्यों मेरे को भी मन में हुआ कि नहीं यार उनके लिए तो ऐसे वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि एक नेहा दीदी की क्या होता है ना कि एक अटैचमेंट होती है किसी किसी से, किसी किसी क्रिएटर से हो जाती है, नेहा दीदी से मेरी है। और क्या कहते हैं उनको ना इस तरीके से देखना, और फिर किसी की हेल्थ अगर ठीक नहीं रहती है और उसको ट्रोल करो, तो वो चीज बहुत ज्यादा ना अजीब सी लगती है। तो आप जब उसके बारे में, उस बंदे के बारे में आप सब कुछ जानते हो, और बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि इसका फायदा उठाया उसका फायदा उठाया, तो कहीं ना कहीं मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो नेहा दीदी ने किसी का फायदा नहीं उठाया, नेहा दीदी का सबने फायदा उठाया, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ब्रोकन थी, तो उस चीज को सबने अपना अपना कंटेंट बना के छापा। मैं ये फील करती हूँ, क्योंकि चाहे वो पायल पहनाना हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, चाहे वो उनके पैर छूना हो, अगर तब आप इतना रिस्पेक्ट कर रहे थे तो अभी आप इतना डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो किसी लड़की के लिए, तो वो चीज ना थोड़ा अजीब लगती है। मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है कौन क्या कह रहा है, लेकिन एक काम होता है ना, अगर किसी ने, अब मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर सामने वाले ने मेरे साथ, मैंने उसको एक दर्जा दिया है, उन्होंने बेटी का दर्जा दिया था,
अगर मैंने किसी को बेटी का दर्जा दिया है और कल को 2 4 दिन बाद मैं उठकर आऊं और उसी पर लांछन लगाने लग जाऊं, तो वो क्या अच्छा लगता है? कितनी मतलब आपके आपका ही मतलब आपके ऊपर ही उंगलियां उठती है यार। कैसे किसी के लिए आप इतना गंदा बोल सकते हो? एक पल में वो आपके लिए इतना ऊपर था और एक पल में बिल्कुल डाउन हो गया, तो वो नहीं करना चाहिए। मेरे को ये लगता है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर शेयर किया। बहुत सारे लोग कहेंगे तुमको पढ़ने की क्या जरूरत थी, क्या था, लेकिन हम जब जिससे कनेक्ट होते हो ना, तो आप उसके लिए बोलते हो। मैं किसी क्रिएटर के लिए इतना फील नहीं करती। मैं नेहा दीदी, नेहा आशीष तिवारी के लिए मैं बहुत फील करती हूँ, और उनके उसमें मैं कमेंट भी करती हूँ कई बार। और उनको अगर मैंने कमेंट किया है ना कि दीदी आज मेरी एनिवर्सरी है, या आज मेरा मेरे बेटे का बर्थडे है, वो हमेशा पलट के जवाब देती हैं। मेरी सर्जरी होने वाली थी तब भी मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक होगा। तो बहुत अच्छा लगता है, कोई क्रिएटर ऐसे रिप्लाई नहीं करता, पर उन्होंने मेरे को किया था, तो एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि मेरे बेटे को उन्होंने विश किया, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैंने खैर स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया, मैंने कमेंट किया था दीदी आज मेरे बेटे का बर्थडे है। विद इन अ फ्यू मिनट्स उनका रिप्लाई आया कि मे गॉड ब्लेस हिम एंड हैप्पी बर्थडे बेटा। तो ऐसे करके तो बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो जाता है मेरे को। मैंने अगर किसी क्रिएटर के ऐसे कमेंट किया है, तब भी कोई रिप्लाई नहीं करता है। नेहा आशीष तिवारी दीदी ऐसी हैं जो करती हैं, और मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग इस तरीके के कमेंट उनके लिए कर रहे हैं, तो मुझे बुरा लगा, इसीलिए मैंने आप सभी के साथ ये चीजें शेयर की। आई होप आप लोग अदरवाइज नहीं लेंगे, और आप लोग क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।